हेलो भाई, मैं अंकित। आज मैं आप सभी को 15 नापसंद गाड़ियों के बारे में बताऊंगा जिनको लोग बाग देखना तक नहीं चाहते। खरीदने की तो दूर की बात है। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, एडजस्ट कर लेना, आगे से नहीं होगा। 15th नंबर पे है RR 310 अपाची। जून के महीने में इस गाड़ी की मात्र 264 यूनिट बिकी थी भाई पूरे भारत भर में। भाई इस गाड़ी को इतना लोग बाग पसंद करते हैं कि BMW ने भी इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया। लेकिन जब बात आती है भाई सेल्स फिगर की ना, तो ये 300-400 यूनिट ही बिक पाती है हर महीने। हालांकि गाड़ी अच्छी है भाई, इस सेगमेंट में आपको RC 390 मिल जाता है। पावर उसे भले ही इस गाड़ी में कम है, लेकिन फीचर्स के मामले में गाड़ी एक नंबर है भाई। प्राइजेज की बात करती हो तो 3,01,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें अपने को RC 390 से टायर बहुत ही बढ़िया मिलता है। बाकी 14th नंबर पे आई है डोमिना 250 बजाज की। जून के महीने में इस गाड़ी की मात्र 232 यूनिट बिकी थी भाई। इस गाड़ी को भाई मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, लेकिन हर कोई नहीं पसंद करता भाई। सेल्स फिगर से ही आप समझ सकते हो, मात्र 232 यूनिट बिकी है भाई, पूरे भारत भर की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि ये गाड़ी बहुत ही अच्छा पैकेज है भाई अपने सेगमेंट में कह सकते हो। प्राइजेज की बात करते हो तो 2,02,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। और अगली 13th नंबर पे है KTM की 250 ट्विन्स। इसमें अपने दो मॉडल मिल जाते हैं, ड्यूक और एडवेंचर। जून के महीने में दोनों गाड़ियों की कंबाइन 218 यूनिट बिकी है भाई पूरे भारत भर में। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं KTM पे आज की डेट में कितना वेटिंग चल रहा है। कोई भी मॉडल उठा के देख लो भाई, आपको 2 से 3 महीना वेट करना ही पड़ेगा। प्राइजेज की बात करते हो तो KTM 250 आपको दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से 2,71,000 रुपये से शुरू होकर 2,79,000 रुपये तक मिल जाती है। बाकी 12th नंबर पे है डोमिनर 400। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, डोमिनर में अपने को दो मॉडल मिल जाते हैं भाई। एक 250 वेरिएंट आता है, बाकी दूसरा 400 वेरिएंट आता है। दोनों गाड़ियां भाई लीज सेलिंग में है, समझ सकते हो क्या हाल है बजाज का। जून के महीने में डोमिनर 400 की मात्र 214 यूनिट बिकी है भाई पूरे भारत भर में। एक तरह से देखते हो ना भाई, ये गाड़ी 390 ड्यूक से कम्पिटिट करती है। हालांकि वो तो नकेड मॉडल में चला जाता है, ये टूरिस्ट मॉडल में जाता है भाई। ये गाड़ी भी भाई बहुत ही अच्छा पैकेज अपने सेगमेंट में 2,64,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। जिन भाइयों को माइलेज से मतलब नहीं रहता, चलाने में फील आना चाहिए, उनके लिए डोमिनर 400 बेस्ट है। बाकी 11th नंबर पे है भाई जिक्सर 250। इसमें अपने को दो मॉडल मिल जाते हैं, एक आपका आता है नकेड वाला, दूसरा आता है फेयरिंग वाला। दोनों मॉडल्स की कंबाइन मात्र 171 यूनिट बिकी है भाई जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये दोनों गाड़ियां पावर के मामले में ठीक है, 250 सीसी का इंजन आ जाता है। बाकी 24 की 25 BHP के आसपास अपने को पावर मिलता है, लेकिन फीचर्स वगैरह नहीं मिलता भाई। कोई बंदा 2,11,000 रुपये सुजुकी को देगा तो यार फीचर्स तो कम से कम होना चाहिए ना। खैर भाई, इसीलिए मार खा जाती है। बाकी आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर पे है CB200X। हाल फिलहाल में भाई जो लॉन्च हुई थी, इसका जून के महीने में मात्र 168 यूनिट बिका है भाई पूरे भारत भर में। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी 7,000-8,000, कभी कभी तो 15,000 भी बिक जाया करती थी। लेकिन आज के डेट में देखो यार, 200 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। हालांकि मेरे हिसाब से होंडा मैन्युफैक्चर ही कम कर रहा है आज के डेट में इन सब गाड़ियों का, एक्टिवा वगैरह या फिर SP वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। खैर प्राइजेज की बात करते हो तो ये गाड़ी 1,71,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें अपने को इंजन बिल्कुल ही हॉर्नेट वाला मिलता है। बाकी 9th नंबर पे है भाई जिक्सर 150। जिस प्रकार से अपने को जिक्सर 250 में दो मॉडल मिलते हैं, उसी प्रकार से जिक्सर 150 में भी दो मॉडल मिलते हैं, बिल्कुल ही लुकिंग वाइज सेम दिखती है भाई। जिक्सर 150 सीरीज की जून के महीने में मात्र 144 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। ये दोनों गाड़ियां भाई लुक के मामले में बस ठीक है ना। इन दोनों गाड़ियों में अपने को पावर अच्छा खासा मिलता है, ना इन दोनों गाड़ियों में अपने को फीचर्स अच्छा खासा मिलता है। हालांकि कंफर्टेबल वगैरह है, लेकिन एग्रेसिव बैठते हो भाई इस गाड़ी पे। लेकिन हाँ, लुक के मामले में गाड़ी एक नंबर है भाई। जैसे अगर आप जिक्सर 150 लेना चाहते हो ना, हीरो में एक गाड़ी आती है भाई एक्सट्रीम 200S, उसमें अपने को इससे बहुत ही अच्छा खासा फीचर्स मिल जाता है। खैर प्राइजेज की बात करते हो तो जिक्सर 150 आपको दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से 1,59,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। 8th नंबर पे थी ग्राजिया। जून के महीने में इस गाड़ी की मात्र 131 यूनिट बिकी थी भाई पूरे भारत भर में। बताओ ये गाड़ी का ये हाल हो गया भाई, 131 यूनिट, वो भी पूरे भारत भर में। मतलब ये सब गाड़ियाँ भाई होंडा का नाम डुबा रही हैं। मेरे हिसाब से भाई होंडा को इस गाड़ी में बहुत ही अच्छा खासा अपडेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से इस गाड़ी में अपडेट नहीं हुआ। फीचर्स वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलता और कंपटीटर से कंपटीट भी नहीं कर पाती है। प्राइस भी इसका देख लो भाई, 94,258 रुपये इसका प्राइस है ऑन रोड बेस वेरिएंट का। टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो उसका प्राइस ज़्यादा ही चला जाता है भाई। खैर 7th नंबर पे आई है होंडा की ही CB300R। इस गाड़ी का लुक भाई मेरे को एक नंबर लगता है। हालांकि इसमें अपने को ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलता, वो बात की बात है, लेकिन लुक इस गाड़ी का एक नंबर है। पावर फिगर भी अपने को अच्छा खासा मिल जाता है। जून के महीने में इस गाड़ी की 108 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। ये गाड़ी आपको दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से 3,12,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाकी 6th नंबर पे है यूनिकॉर्न। इस गाड़ी में तो भाई अपने को जीरो बराबर फीचर्स नहीं मिलता।
जून के महीने में इस गाड़ी की 79 यूनिट बिकी है भाई पूरे भारत भर में मात्र, जिनको भाई फालतू चीज़ों से मतलब नहीं रहता, बिल्कुल ही बेसिक रिक्वायरमेंट होता है और चलाने में फील आना चाहिए, रुतबा होना चाहिए भाई गाड़ी में, वो यूनिकॉर्न की तरफ जाते हैं। मेरे जैसा बंदा भाई नहीं लेगा यूनिकॉर्न को। प्राइजेस की बात करते हो तो यूनिकॉर्न 1,23,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाते हैं दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से है। इतना प्राइस अगर आप दूसरी कंपनी को दोगे भर भर के आपको फीचर्स मिल जाएगा, साथ ही पावर वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाएगा भाई। 5th नंबर पे आइए ओकिनावा की ओखी 90। इस गाड़ी को भाई मैंने नज़दीक से देखा भी नहीं, ये वही गाड़ी है भाई ओकिनावा वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बहुत ही बड़ा इसमें टायर है, माइलेज भी अच्छा मिलेगा यानी रेंज भी अच्छा मिलेगा। जून के महीने इस गाड़ी की मात्र 71 यूनिट बिकी है भाई पूरे भारत भर में। ये गाड़ी में अपने को 131 किलोमीटर तक शायद से रेंज मिलता है। प्राइजेज की बात करते हो तो 1,32,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है, बहुत ही एक्सपेंसिव है भाई, हमारे बस का नहीं है। 4th नंबर पे आइए ओकिनावा की ही लाइट। जून के महीने में इस गाड़ी की 55 यूनिट बिकी है भाई पूरे भारत भर में लाइट की। देखो भाई ओकिनावा का बस प्रेस प्रो लोग बाग अच्छा खासा पसंद करते हैं, ना इनका रिज प्लस ज़्यादा बिकता है, मतलब और कोई मॉडल ज़्यादा बिकता ही नहीं है। हालांकि ये लाइट मॉडल बहुत ही अच्छी दिखती है, मेरे को पसंद आता है लुकिंग वाइज, लेकिन इसमें अपने को टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं मिलता, रेंज भी ज़्यादा नहीं मिलता और इसमें भाई पुश स्टार्ट बटन भी आता है। खैर फीचर्स वगैरह अच्छा खासा मिल जाते हैं भाई, बाकी प्राइस भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, 71,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से है। बाकी 3rd नंबर पे आइए हस्क्वर्ना 250 ट्विन्स। इन दोनों गाड़ियों के बारे में भाई कौन नहीं जानता, पिछले महीने तो इसका एक भी यूनिट नहीं बिका था, इस महीने जून के महीने में 4 यूनिट बिक पाई हैं भाई। ये दोनों गाड़ियाँ जिस प्राइस पॉइंट में आती है ना भाई, पावर वगैरह अपने को अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब ऑन रोड प्राइस 2,51,000 के आसपास चला जाता है। पावर वगैरह सुनोगे ना भाई 29.63 यानी 30 bhp के आसपास पावर मिल जाता है, बाकी 24 nm के राउंड अपने को टॉर्क मिल जाता है, क्या ही भागती होगी गाड़ियाँ। लुक वगैरह भी भाई ठीक है लेकिन हर किसी को पसंद नहीं आता, मैं हरदम बोलता हूँ। इन दोनों गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी को लेना चाहते हो तो आपको KTM के शोरूम में जाना पड़ेगा, इनका खुद का शोरूम नहीं है भाई कहीं पे भी। बाकी 2nd नंबर पे है भाई KTM की 125 सीरीज। इस सीरीज में अपने को दो मॉडल मिल जाते हैं RC और ड्यूक। दोनों गाड़ियों की कंबाइन मात्र जून के महीने में 1 यूनिट बिक पाई है भाई, जी हाँ 1 यूनिट मात्र है। मैन्युफैक्चर कर नहीं पा रहे हैं भाई KTM वाले आज के रेट में सेमीकंडक्टर चिप की वजह से। ये दोनों गाड़ियाँ अपने सेगमेंट में बहुत ही एक्सपेंसिव है, 2,01,000 रुपये से शुरू होकर 2,13,000 रुपये तक मिल जाती है। पता नहीं यार लोग बाग खरीद कैसे लेते हैं भाई इतनी महंगी महंगी गाड़ी, 125 cc का इंजन मिल जाता है, इससे अच्छा तो MT-15 ले लो। खैर 1st पोजिशन पे है भाई ओकिनावा की ड्यूल। ये एक मोपेड स्कूटर है कह सकते हो भाई, इसमें अपने को अच्छा खासा सामान कैरी करने के लिए जगह मिल जाता है, रेंज वगैरह भी कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है भाई। और ये गाड़ी एक्सपेंसिव भी नहीं है ज़्यादा, फिर भी जून के महीने में इस गाड़ी की एक भी यूनिट नहीं बिक पाई है, बुहनी तक नहीं हुआ इस गाड़ी का पूरे भारत भर में। पता नहीं भाई ओकिनावा वाले कैसे झेल लेते हैं ऐसी ऐसी गाड़ियों को। प्राइजेज की बात करती हो तो ओकिनावा ड्यूल आपको दिल्ली का ऑन रोड के हिसाब से 61,000 रुपये से शुरू होकर 82,000 रुपये तक मिल जाती है आसानी से। तो यही थी भाई 15 वो गाड़ियाँ जिनको लोग बाग देखना तक नहीं चाहते, तो खरीदने की तो दूर की बात है, या फिर यूँ कह सकते हो भाई टॉप 15 लीस्ट सेलिंग टू व्हीलर जून 2022। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, चलो टाटा बाय बाय।